बारिश चालू हो गई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बारिश की राइड का भी मज़ा दे दूं। सो प्लीज़ नज़ारों को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इटियोस क्रॉस जो है उसका रिव्यू करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म रियल लाइफ रिव्यू। लगभग 117,300 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। दिसंबर 2014 का अपने ज़माने का डीजल टॉप एंड वेरिएंट है। तो आज हम जानेंगे कि 9 सालों के बाद में क्या कुछ बदला है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, पावर, पिकअप, सस्पेंशन सेटअप, कैसे चलती है, क्या दिक्कतें हैं। वी गोना टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस कार। तो चलिए धीरे धीरे हर एक पहलू पर डिटेल में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि आज की रेट में क्या ये गाड़ी अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिल रही है तो वेदर इट्स वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन फॉर यू। अगर आपके जहन में भी ये गाड़ी के बारे में अगर कई सारे सवाल हैं तो मिलकर जानते हैं उन सारे सभी सवालों के जवाब। सो लेट्स बिगिन दोस्त। शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। इसमें आपको दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक बहुत ही सिंपल सी की आपको यहाँ पर मिलती है जिसमें कोई बटन नहीं है। दूसरा, ये लॉक अनलॉक के लिए रिमोट काइंड ऑफ अ थिंग आपको मिलेगा जिसमें दो बटन है, एज आई सेड, लॉक एंड अनलॉक का। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एक बड़ी सी हेडलैम्प की हाउसिंग आप देख सकते हैं, नीचे टर्न इंडिकेटर्स और उसी के नीचे फ्रंट फॉग लैम्प को प्लेस किया गया है। इस तरीके से आपको ग्रिल नज़र आएगी, बीच में टोयोटा का बड़ा सा लोगो और काफ़ी ज़्यादा एयर इनटेक के लिए यहाँ पर बड़ी जगह छोड़ी गई है। नीचे नंबर प्लेट और उसी के नीचे सिल्वर फिनिश फ्रंट स्किड प्लेट नज़र आती है। ये जो सिल्वरिश एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पर जो आपको ग्रिल में दिया गया है, ये एलिमेंट देखकर आपको किस चीज़ की याद आती है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसे देखकर मुझे हमारे जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन या फिर सूर्या सिंघम, उनके मुस्टैच की याद आती है। आपको क्या याद आता है ज़रा नीचे बताइएगा। इम्पोजिंग स्टांस देता हुआ ये बोनट, वहाँ पर वाइपर के लिए स्प्रिंकलर, एक वाइपर और रूफ टॉप एंटीना नज़र आता है। साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से आपको ये कार नज़र आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स की। तो यहाँ पर आपको 185/65R 15 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ORVMs, साथ में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, कोई भी 360 डिग्री कैमरा उस वक्त उस ज़माने में नहीं मिलता था। ये जो ब्लैक कलर की कंप्लीट क्लैडिंग की फिनिश आप देख पा रहे हैं अक्रॉस द लाइन पूरी कार पर ये जाती है। थोड़ा सा रगेड और मस्क्यूलर स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है कार को, जिस पर एक सिल्वर कलर की फिनिश देकर अलग से एक क्लैडिंग लगाई गई है। डोर हैंडल्स, नीचे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए मैनुअल की होल, ऊपर ये जो सनवाइज़र आप देख रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है, और रूफ रेल्स आपको नज़र आएंगी जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है, जिस पर आप कैरियर प्लेस करके कई सारा सामान यहाँ पर ढो सकते हैं। बड़ा सा ग्लास एरिया मिले। फिर से एक बार आपको मैं ये क्लियरली क्लैडिंग दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको इटियोस क्रॉस की बैजिंग नज़र आएगी। कुछ इस तरीके से आपको रियर प्रोफाइल नज़र आएगी। ऊपर आपको स्पॉइलर मिलेगा, कोई शार्क फिन एंटीना नहीं, कोई सनरूफ नहीं, नीचे हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, रियर वाइपर, बड़ा सा टोयोटा का लोगो, वेरिएंट की बैजिंग, साथ में टेल लैंप, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट की हाउसिंग, मैनुअल की होल बूट ओपन करने के लिए, बूट पर एक ब्लैक कलर की क्लैडिंग जिस पर इटियोस क्रॉस की बैजिंग देखने को मिलेगी सिल्वर फिनिश में। साइड प्रोफाइल में जो क्लैडिंग दी गई है उसी की स्पोर्टी कैरेक्टर लाइन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हुआ ब्लैक कलर का बम्पर, आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, दो पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग और सिल्वर फिनिश में रियर स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। मैं एक बार आपको बूट खोल के भी दिखा देता हूँ तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर हमें कितना स्पेस मिलता है। 251 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा, रियर पार्सल ट्रे मिलेगा और नीचे जो है सेम 185/65R 15 inches का आपको व्हील मिलेगा, लेकिन ये स्टील रिम के साथ आएगा, यहाँ पर अलॉय नहीं मिलेगा। एक बार फिर से आपको बूट स्पेस का
ओवरऑल लुक दे देता हूँ। 251 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीके से इंटीरियर हमें मिलता है। डोर हैंडल आप देख पा रहे हैं, इस पर किसी भी तरीके से कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, टिपिकल ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स मिलेंगे। दरवाज़ा काफ़ी वाइड खुल जाता है। शुरुआत करते हैं डोर से, तो यहाँ पर आपको ये डोर लॉक अनलॉक के लिए लीवर मिलेगा, लॉक अनलॉक का अलग से बटन मिलेगा। स्क्रैच प्रूफ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर मिलेगी। पावर विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं ताकि पीछे से कोई बच्चे अगर बैठे हैं तो ऑपरेट नहीं कर पाए उसका बटन। यहाँ पर पावर विंडोज़ के सारे बटन, वन टच अप वन टच डाउन का फंक्शन मिलेगा। ड्राइवर विंडो के लिए छोटा सा कबी होल जिसमें ऑलरेडी कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं। नीचे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा, एक लीटर की बॉटल होल्डर और कुछ और मैगजीन या न्यूज़पेपर आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसिंग मिलेगी। नीचे पेडल के पास में आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा, तो गाड़ी ड्राइव करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कोई आपको डेड पेडल नहीं मिलता है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर मिलेगा, उसके पास में आपको ये नॉब मिलेगा जिससे आप बोनट खोल सकते हैं। एक छोटा सा कबी होल या स्पेस, मिरर्स के फंक्शंस यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, आफ्टर मार्केट अगर आपको कुछ बटन लगाना है, कुछ लगाना है तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको एसी के वेंट्स देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से पियानो ब्लैक की फिनिश यहाँ पर दी गई है। कार का की इग्निशन सॉकेट यहाँ पर है और आपको यहाँ पर लेदर रैप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। बीच में टोयोटा का लोगो, साथ में हॉर्न पैड और स्टीयरिंग माउंटेड म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलेंगे। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी दोस्तों, तो 9 साल पुरानी ये गाड़ी है और 1,17,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। उसके बावजूद भी लेदर की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि कहीं भी कुछ भी आपको स्टीयरिंग व्हील पर घिसा हुआ, टूटा फटा हुआ नज़र नहीं आएगा। रियली वेरी गुड क्वालिटी और इसके लिए टोयोटा को ज़रूर अप्रिशिएट करना। डैशबोर्ड की जहाँ तक बात है, कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक मटीरियल यूज़ किया गया है, लेकिन ये स्क्रैच प्रूफ है और अभी भी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन है। किसी भी तरीके से कोई स्क्रैचेस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। एक स्पीकर यहाँ पर आपको प्लेस किया हुआ नज़र आएगा। सेंटर में यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर देखने को मिलेगा। आई होप कि कैमरा में आपको नज़र आ रहा है। ड्राइवर के सामने यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी MID डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। डैशबोर्ड के सेंटर में आपको वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वहीं पर नीचे आपको ये 2D म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा जिसमें AM, FM, ऑक्सन, VCD, रेडियो वगैरह सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर से AC के वेंट्स नज़र आएंगे। हज़ार्ड लैंप यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका बटन नीचे है। यहाँ पर ये सारे आपको मैन्युअली AC के कंट्रोल्स, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पर ये गियर नॉब, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट नज़र आएगा, 2 कप होल्डर के साथ में। यहाँ पर अंदर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस जो है जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं और आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि मैंने कितना कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर यहाँ पर आपको एक ये ग्लव बॉक्स मिलेगा, कोई भी कूल ग्लव बॉक्स नहीं है और डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर नज़र आता है। इस तरफ के दरवाजे पर भी आपको सेम लॉक अनलॉक का बटन और एक सिल्वर फिनिश में लीवर मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो का बटन और पीछे ये फैब्रिक का आर्मरेस्ट, डोर आर्मरेस्ट। यहाँ पर आपको ये सनवाइजर मिलता है, एयरबैग के कुछ इंस्ट्रक्शंस, अंदर एक वैनिटी मिरर, लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं है। इसको खोल के देखते हैं तो ये यहीं तक पहुँचता है और काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर एरिया छूट जाता है, कोई एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप मिलेगा, सामने एक कोट हुक विद ग्रैब हैंडल मिलेगा। सेम यहाँ पर ड्राइवर के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर के लिए अंदर से कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, इसे मैं ऑलरेडी खोल के देख चुका हूँ। ये जो IRVM है ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है जिसमें आपको कुछ म्यूजिक के कंट्रोल्स वगैरह और रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि आफ्टर मार्केट है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट के मैनुअल कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और कुछ इस तरीके से फैब्रिक सीट आपको नज़र आएगी। कोई भी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री इस कार में नहीं मिलती है। ऊपर Etios क्रॉस की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको हैंडब्रेक नज़र आएगा। बीच में कोई भी कप होल्डर या स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है। Etios क्रॉस की बैजिंग के साथ में आपको ऊपर ये दो मैन्युअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। अब चलते हैं रियर साइड में गाड़ी के अंदर, तो पीछे के डोर में भी आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश, कॉइन्स के लिए कबी होल, लॉक अनलॉक का लीवर, लॉक अनलॉक का बटन, एक लीटर का बॉटल होल्डर मिलेगा। यहाँ पर फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ये जो आपको कुशन दिख रहे हैं दोस्तों, ये कुशन आफ्टर मार्केट हैं।
आगे की सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे कितना सारा एम्पल ऑफ लेग रूम, आगे अगर पाँव करूँ तो भी काफ़ी सारा नी रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इस सीट में कोई भी आपको मैगजीन होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर के लिए कोई पॉकेट नहीं बना है, इस तरफ भी ऐसा कोई पॉकेट आपको नज़र नहीं आएगा। नीचे एक लीटर की बॉटल होल्डर आपको मिलेगी, कप होल्डर मिलेगा, जिसमें अभी मैंने ये ट्रैश बिन रखा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट लिया हुआ है। कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। दो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, पीछे रियर पार्सल ट्रे मिलेगा, ये कुशन आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको ये रियर व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये रियर सीट के हेडरेस्ट मिलेंगे। मिडल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, वैसे तो सेफ्टी के लिहाज से उसे देना चाहिए, पर ड्राइवर का जो व्यू होता है रियर व्यू वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। इस एंगल से आपको मेरे हिसाब से डीफॉगर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। कोई भी रियर आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, और फैब्रिक की क्वालिटी अभी भी काफ़ी लंबे टाइम से 9 साल में काफ़ी अच्छी है। 3-point सीट बेल्ट मिलेगा दोनों पैसेंजर के लिए, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ पर कोई भी लैप बेल्ट या फिर सीट बेल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है यहाँ अगर कहीं अंदर चला गया हो तो, आपके पास किसी के पास अगर ये कार है और आपको अगर पता है कि यहाँ पर लैप बेल्ट भी मिलता है तो आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यहाँ पर लैप बेल्ट आता है या नहीं। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से ये सारा मामला है दोस्तों। पीछे आपको फैब्रिक सीट मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है सीट की, और आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितना सारा स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस की इस गाड़ी में कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं है, भर भर के आपको स्पेस दिया गया है। फ्रंट की जो सीट बेल्ट है दोस्तों, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एज आई सेड, सीट की फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, साइड सपोर्ट, बॉस्टिंग सपोर्ट ये बहुत उम्दा है, जो आपको अच्छे तरीके से सीट में होल्ड करके रखेगा। गाड़ी चलाते वक्त किसी भी तरीके से ये आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देगा। अब आ गए हैं हम लोग गाड़ी के फ्रंट सीट पर, यानी कि मैं हूँ ड्राइवर सीट पर। इसे हम चला कर देखेंगे और वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक और ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कार 2014 में लॉन्च हुई थी, उस वक्त 7,42,000-43,000 के करीब करीब इसकी एक शोरूम कॉस्ट थी, और 8,70,000 रुपीज़ के करीब करीब ये मेरे दोस्त ने इसे ख़रीदा है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ ड्यूल एयरबैग, ABS प्लस EBD जैसे फ़ीचर्स ही मिलते हैं। आज की डेट में जो भी मॉडर्नाइज अप मार्केट फीचर्स आपको आज की गाड़ियों में इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्स्टर में आपको 6 लाख रुपए में 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, और कई सारी और गाड़ियों में ऐसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं वो उस वक्त नहीं मिला करते थे। इस गाड़ी का माइलेज जो है 1.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसमें आपको मिलता था, 68 PS की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता था, जिसमें कंपनी 23 KMPL का माइलेज क्लेम करती थी। 21-22 तक तो ये गाड़ी आराम से आपको माइलेज दे देती है, मैंने खुद उसे निकाला हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड पेट्रोल की बात करें तो 17 KMPL तक का माइलेज क्लेम किया जाता था। आई एम श्योर कि अभी आपको ये MID प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, अलग अलग गाड़ी के साइंस, ऑयल, इंजन, एयरबैग वगैरह ये सब नज़र आ रहा होगा। और थोड़ा सा अगर मैं इसे और करीब लेकर जाऊँ तो टाइम, कितना फ्यूल बचा हुआ है, एंड 1,17,295 किलोमीटर तक अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। कुछ इस तरीके से सेंटर में आपको ये MID मिलती थी डैशबोर्ड के, ड्राइवर के सामने आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि लोगों ने इस गाड़ी को उतना पसंद नहीं किया। अब गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं इंजन कितना नॉइस करता है, कितनी वाइब्रेशंस हमको नज़र आती है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो अभी भी काफ़ी साइलेंट सा इंजन है, बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, बट डीजल इंजन के हिसाब से अभी भी ठीक ठाक एविडेंट नॉइज़ आपको नज़र आएगा, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पर जैसे डीजल इंजन्स में होते हैं वो स्टीयरिंग व्हील पर या गियर नॉब पर कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो चुका है और इसे 4-स्टार रेटिंग हासिल हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों, गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं कि इसकी राइड क्वालिटी, सस्पेंशन सेटअप, स्पीड, परफॉर्मेंस, पावर, ब्रेकिंग, सारी चीज़ें कैसी हैं। वैसे एक बार फिर से आप डैशबोर्ड का लुक देख लीजिए। अर्गोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है, K
किसी भी चीज़ में आपको रीच के लिए दिक्कत नहीं आएगी, हर एक जगह पर आपका हाथ बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीच इज़ वेरी गुड, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, विंडशील्ड का ग्लास एरिया अच्छा है, और ये जो पैनल है ए पैनल थोड़ा सा थिक होने की वजह से एक ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर क्रिएट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारी राइड पर। ये गई गाड़ी फर्स्ट गियर में। अभी मैं थोड़ा कच्ची सड़क पर हूँ, ये सड़क उतनी अच्छी नहीं है, हाउएवर हम देख लेते हैं कि गाड़ी हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स ऑफर करती है। सस्पेंशंस अभी भी थोड़े स्टिफर साइड पर हैं, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाड़ी ग्लाइड कर रही है, कोई दिक्कत इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, प्रिसाइजली जिस तरफ आप उसे मोड़ना चाहते हैं ये एक्यूरेटली उस तरफ मुड़ जाती है और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हम इस गाड़ी को अच्छी बुरी ख़राब सभी सड़कों पर चलाकर देखेंगे। ये थोड़ा सा गांव का रास्ता है, हम इसे हाईवे पर भी चलाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर मामला है। सस्पेंशन सेटअप जैसे मैंने कहा अभी भी बेहतरीन तरीके से 9 साल के बाद में इस गाड़ी के काम कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा व्हील मिल जाता है, अच्छे तरीके से आप उसे ग्रैब कर पाते हो। सीटिंग पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है, जिसकी वजह से ये कार चलाते हुए आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे। साथ में राइड क्वालिटी जो है वो अभी भी इस गाड़ी की बरकरार है इतने सालों के बाद में, हैट्स ऑफ टू टोयोटा फॉर दैट। अपने ज़माने में अनफॉर्चुनेटली ये कार उतनी नहीं चली, क्योंकि ये इटियोस लीवा जो हुआ करती थी उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें टोयोटा ने इसे थोड़ा सा रगेड स्पोर्टी और एसयूवी लुक देने की कोशिश की है। हाउएवर उस वक्त 2014 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो जैसे मैंने कहा 6 लाख रुपीज़ के करीब करीब ये शुरू होती थी, एंड दिस वॉज गोइंग अप टू 7,42,43,000 रुपीज़ के करीब एक शोरूम कॉस्ट होती थी टॉप एंड वेरिएंट की। अब हम थोड़ी अच्छी सड़क पर आ गए हैं तो आपको नज़र आएगा कि वाइब्रेशंस, नॉइज़, वो जो है रोड की जो साउंड आती थी वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है, एंड यू फील इट लाइक इट इज़ ग्लाइडिंग लाइक वेरी स्मूथ ऑन द रोड। तो हम बात कर रहे थे कुछ एक शोरूम कॉस्ट की, 6 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 7,43,000 रुपीज़ तक टॉप एंड का एक शोरूम कॉस्ट जाती थी। 8,70,000 रुपीज़ में ऑन रोड ये गाड़ी मेरे दोस्त ने खरीदी है। आज भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, सुपर राइड एंड हैंडलिंग, नो डाउट अबाउट इट, बेहतरीन कार है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली कोई भी मॉडर्निस्ट, अप मार्केट, ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड ना होने की वजह से ये कार उस टाइम पर बहुत बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाई थी, काफ़ी कम लोगों ने इसे ख़रीदा होगा। बट 9 साल के बाद में भी आज मैं जब इसे चला रहा हूँ तो आई कैन टेल यू कि इट वॉज वर्थ बाइंग द कार। येस, दिस कार हैड कपल ऑफ इश्यूज़, जिसकी वजह से टोयोटा को कई लोगों ने कई बार वो रेज भी किए थे पॉइंट, लेकिन टोयोटा ने उसमें चेंजेस नहीं किए, अच्छे फीचर्स नहीं दिए, जिसकी वजह से ये कार वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन नहीं बन पाई थी। अभी इस वक्त हम मार्केट की सड़क से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो गांव, अच्छे ख़राब रास्ते सभी सड़कों पर हम इसे चलाएंगे। स्पीड ब्रेकर को ये बहुत ही सुपर्ब तरीके से ग्लाइड करके हमको लेके जाती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर अभी सस्पेंशन सेटअप में मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं भी कोई चूचा, उटपटांग, अजीब सी कोई आवाज़, नॉइज़ कुछ भी कार में नहीं है दोस्तों। नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी हाईवे। छोटे मोटे जो गड्ढे हैं, अंड्यूलेशंस हैं गांव की अंदर की जो सड़क है, उन गड्ढों को और अंड्यूलेशंस को ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है, कोई भी कंफर्ट में आपको कमी नज़र नहीं आएगी। सिंस वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी हाईवे, इसे वहाँ पर भगा कर देखते हैं, ब्रेकिंग भी हम चेक करेंगे, एंड लेट अस सी वहाँ पर क्या कुछ मामला है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 120 के ऊपर भी इसे चलाने की कोशिश करूँगा, 120-130 के करीब करीब, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे फॉर श्योर। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी हाईवे, आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। इस तरफ से कोई कार हमें अप्रोच नहीं कर रही है, तो वी कैन ईजिली गेट इन टू द हाईवे। अभी मैं हूँ थर्ड गियर पर, लगभग 1700-1800 RPM के आसपास गाड़ी होगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिना कोई नॉइज़ के आराम से थर्ड गियर में गाड़ी उठ गई है। 2000 RPM के बाद में आपको एक्चुअली पावर किक इन मिलेगी, नज़र आएगी, आप वो फील कर पाएंगे।
इतने सालों के बाद भी गियर शिफ्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो प्रॉपरली स्लॉट हो जाते हैं गियर्स। गियर नॉब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गियर एकदम आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लॉट हो जाते हैं। बटरी फील अभी भी मौजूद है। नाउ यू कैन सी वी आर ऑन हाईवे और अभी मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ लगभग 80 की स्पीड पर, और बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे इस कार में। ऑन रोड स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ और अभी कार इज रीचिंग टूवर्ड्स ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुँच गए हैं। इस ट्रक को थोड़ा सा साइड से पास ऑन कर लेते हैं और फिर इसे 120 पर ले जाकर हम थोड़ा ब्रेकिंग टेस्ट कर लेंगे गाड़ी की कि 9 साल के बाद में क्या ब्रेकिंग अभी भी उसी तरीके से मौजूद है या नहीं। अभी भी हम 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक सामने नज़र आता हुआ। ये थोड़ी सी ढलान है और हमें अच्छा यहाँ पर मौका मिल जाएगा 120 की स्पीड पर हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग को टेस्ट करने का। पीछे से कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है और 120 पर हम पहुँच गए हैं। लेट मी ब्रेक इट। बहुत ही प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली ये गाड़ी अपनी जगह पर जाकर रुकी है, तो ब्रेकिंग में भी एज सच इतने सालों के बाद में कोई शिकायत नहीं थी। लेट अस ड्राइव इट लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा हाईवे पर और ज़्यादा क्रूज करके यहाँ पर इसे चला कर देखते हैं। वैसे इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। बेहतरीन नेचर के नज़ारे आप यहाँ पर, ये ग्रीनरी देख पा रहे होंगे। थोड़ा और आगे चल के हम इसको मोड़ेंगे टूवर्ड्स अगेन बैक टू पैवेलियन आएंगे एंड देन आई टेक दिस कार टू सम रफ रोड्स, थोड़ा सा गांव में और ज़्यादा उबड़ खाबड़ खड्डों पर और ख़राब रास्ते पर इसको मैं ले जाकर ड्राइव आपको देकर उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ में, जिसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत है। कोई भी रोड नॉइज़ विंड नॉइज़ यहाँ पर एज सच हमको नज़र नहीं आ रही है। एटलीस्ट मुझे कुछ नॉइज़ अलग से या कुछ ऑड साउंड ऐसा कुछ इतने साल के बाद में भी फील नहीं हो रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन एंड कंफर्टेबल राइड है। और गाड़ी ओनर ने भी और कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की है, क्वालिटी इज रियली गुड। मुझे लगता है कि अगर आपको आज की डेट में मार्केट में इसे सेकेंड हैंड में ख़रीदने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर इसे ख़रीदना चाहिए। टोयोटा बाकी कंपनियों की तरह इंडियन मार्केट से भागने वाली नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस पेयर्स वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड इस चढ़ान पर भी आराम से 80 की स्पीड पे फिफ्थ गियर में ये गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्लाइड करते हुए मुझे डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये गाड़ी आराम से चल रही है। दो इट इज़ ओनली 68 bhp 1.4 लीटर डीजल इंजन, लेकिन इसमें 170 nm का टॉर्क आपको मिल जाता है और कभी भी भले आप अकेले चला रहे हो या 5 लोग बैठकर इसे चलाओ, आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये गाड़ी अंडर पावर है। एसी की कूलिंग भी बहुत अच्छी है, अभी मैंने सिर्फ एक पर फैन स्पीड रखी हुई है, बट हो सकता है बाहर बारिश का मौसम है, ग्रीनरी अच्छी है, तो हो सकता है कि केबिन जल्दी कूल हो गया हो। हाउएवर जब धूप के टाइम पे समर टाइम में अगर मैं इसे चलाने का मौका मिलेगा तो उस वक्त देखेंगे कि क्या डेफिनेटली इतनी ही अच्छी कूलिंग वो समर के टाइम में भी हमको दे पाती है या नहीं। काफ़ी अंडुलेशंस आ चुके हैं इतनी राइड में दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी सस्पेंशन के बारे में कंप्लेंट करने के लिए आपके पास कोई भी वजह यहाँ पर मौजूद नहीं है। द कार इज ग्लाइडिंग एब्सोल्युटली सुपर्ब एंड स्मूथ, क्रीम भाई, मक्खन है भाई, मक्खन सच में। आप बताइए क्या मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं? टच एंड फील जो है गाड़ी का, डैशबोर्ड और कई सारे और मटेरियल्स हैं उनका टच एंड फील, वो एहसास उतना अच्छा और प्रीमियम तो नहीं है, बट जिस प्राइस पॉइंट पर आई थी मेरे हिसाब से उस प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का। आज भी जो लोग इसे ओन करते हैं, अभी तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जिसने इस कार के बारे में कोई कंप्लेंट की हो। अल्टीमेटली टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और वो रिलायबिलिटी मुझे यहाँ पर इस कार में भी अभी भी बरकरार नज़र आती है। आपके पास अगर ये गाड़ी है तो अब तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शिरोड़ करके यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और फिर
वापस अपने पवेलियन पहुंचकर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पहुंचकर थोड़ा ख़राब सड़कों पर मैं आपको लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं आपको समृद्धि जो है मुंबई नागपुर समृद्धि जो हाईवे बन रहा है उसकी भी थोड़ी सी काम की एक झलक दिखा दूंगा। मैंने यू टर्न ले लिया है, गाड़ी को मोड़ लिया है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको वो नहीं दिखा पाया क्योंकि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी और मेरे एक हाथ में गिम्बल है तो शायद मुझे रोक लेते। इसके लिए मैंने कैमरा को जो है थोड़ा बंद कर लिया था ट्रैफिक पुलिस के सामने। वी आर गोइंग बैक टू पवेलियन। रास्ता आप देख रहे हैं अच्छी खासी हाईवे और सुपर सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे बारिश की वजह से गड्ढे और अंडुलेशन है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से स्पीड क्रूज कर रही है, 120 पर इस वक्त हम लोग हैं और मुझे किसी भी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस खोता नज़र नहीं आता। गाड़ी की ऑन रोड स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन और सेम स्पीड पे बिना गाड़ी की स्पीड कट डाउन करे मैं आराम से इस टर्न को काट पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, सुपर्ब ऑन रोड स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120, 130, that's the max I would prefer going. आगे पीछे कोई भी कार नहीं है, दोबारा से इसे ब्रेकिंग करके देखता हूं। Absolutely superb braking. लगभग 30 की स्पीड है और तीसरे गियर में गाड़ी फिर से उठ गई है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। लगभग 1500 आरपीएम के आसपास से ही आपको पावर मिलना शुरू हो जाती है। 1700-1800 आरपीएम के बाद में आपको पावर की कभी भी ऐसी कमी एज सच महसूस नहीं होगी। फर्स्ट गियर में भी आप गाड़ी को उठाओगे तो उस वक्त ही मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि ये गाड़ी अंडर पावर है। तो जो इंजन है मुझे लगता है सेम इंजन, पावर फिगर्स तो मुझे याद नहीं है बट सेम इंजन शायद आपको करोला अल्टिस में भी दिया जाता था 1.4 लीटर का एंड इट वाज परफॉर्मिंग सुपर्ब। और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, बारिश का सीजन है। ओए होए होए होए, बारिश हो नहीं रही है वैसे अभी, मैं लकी हूँ कि आज के दिन बारिश नहीं है और जिसकी वजह से मैं ये बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए शूट कर पा रहा हूँ। वरना कल मैंने कोशिश की थी, प्लान किया था कि ये वीडियो आपके लिए शूट करूँ लेकिन मैं गाड़ी लेकर बाहर निकल ही नहीं पाया क्योंकि दिन भर घमासान बारिश हो रही थी। आज तो खैर बारिश भी नहीं है और अच्छी खासी धूप भी है तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाड़ी हाईवे पर चलाकर दिखा पा रहा हूँ और सारा प्रॉपर इसे शूट कर पाया हूँ। आप बताइए, कभी आप लॉन्ग ड्राइव पर अगर इस गाड़ी को लेकर गए तो आपका कुछ अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई थॉट्स आप शेयर करना चाहते हो तो वो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जिनको इस गाड़ी के साथ में कुछ कमियां, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो तो मैं भी वो उन सभी लोगों से जानना चाहूँगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे से लगभग 200-300 मीटर के पास हम लेफ्ट टर्न लेंगे एंड वी विल मूव टूवर्ड्स अगेन गांव के अंदर सड़कों में जाकर खराब सड़कों पर इसे लेकर जाएंगे। बाय द वे आपको बताना भूल गया, ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है जो कि मुंबई से आगरा गुजरता है। मेरा घर यहां पर कसारा या फिर आप कई लोगों ने इगतपुरी सुना होगा उसके करीब पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास एंड वी वर ड्राइविंग टूवर्ड्स नासिक। अभी हम अंदर गांव की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सड़क के नज़ारे फिर से बदल गए हैं, रोड की क्वालिटी कंडीशन चेंज हो गई है तो लेट अस टेक दिस कार टू दी रफ रोड एंड लेट अस सी। शायद स्कूल छूट गई है जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे सड़क पर नज़र आएंगे। अभी भी थर्ड गियर में आराम से उठ गई है, मुझे गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दो मैंने ब्रेकिंग करी थी बट यस, कार परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। ऐसी ही ट्रैफिक और भीड़ से खचाखच भरी सड़क पर आपको ये रियल लाइफ लॉन्ग टर्म रिव्यू देना, एक्सपीरियंस देना। फिर से एक स्पीड ब्रेकर एंड कार इज परफॉर्मिंग वेरी गुड ऑन द स्पीड ब्रेकर, नो प्रॉब्लम विद द सस्पेंशंस। वंस अगेन एक और स्पीड ब्रेकर एंड सेम स्मूथ ग्लाइड।
देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा ख़राब सड़कों की तरफ रुख करेंगे, राइट में यहाँ से मुड़ेंगे और आपको एक्चुअल ख़राब सड़क यहाँ पर नज़र आएगी। पॉटहोल्स वगैरह, गड्ढे पानी से भरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए एक रेलवे क्रॉसिंग भी क्रॉस करते हैं। फाटक अभी बंद है दोस्तों, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं फाटक खुलने का। फाटक खुल गया है फाइनली। ये जो आप रोड देख रहे हैं, पटरियाँ जो होती हैं उसमें काफ़ी गैप होता है रास्ते में और उसमें, और इसकी लेवलिंग सही से नहीं होती है, तो उस अंडुलेशंस को भी इसके सस्पेंशंस अच्छे तरीके से ग्लाइड करके मुझे लेके जा रहे हैं। तो सच में यहाँ पर कंफर्ट लेवल में कोई कमी नहीं है गाड़ी की। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है जिन भी लोगों ने उस वक्त इस गाड़ी को ख़रीदा होगा। इट इज़ नो रिग्रेट डिसीजन। अब आपको सड़क की हालत नज़र आएगी, कितनी गंदी तरीके से यहाँ पर ये खड़क टूटी फूटी है, इसे पास हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप सड़क कितनी ख़राब है। और इसे आराम से मैंने सेकेंड गियर में पार कर लिया है, मुझे डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालांकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है जिसकी वजह से डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है नहीं, इस गाड़ी में टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल में आपको 2 ऑप्शंस मिलते थे, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। 1.2 लीटर में आपको 80 पीएस की पावर एंड लगभग 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क, प्लस 1.5 लीटर में आपको 90 पीएस की पावर एंड लगभग 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अगर पावर फिगर्स में कुछ गड़बड़ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मैंने गलत कोट किया होगा तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब आपको ये ख़राब सड़क, गाड़ी की आवाज़, लेकिन कोई भी ऑड सी नॉइज़ आपको नज़र नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी भी गाड़ी की क्वालिटी कंडीशन इतनी बेहतरीन तरीके से बरकरार है कि इसमें कोई भी अजीब सी नॉइज़ चूचा, जैसे आपको महिंद्रा या टाटा की गाड़ियों में ये सारी आवाज़ें बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। सामने जहाँ पर अभी हम अप्रोच कर रहे हैं दोस्तों, ये समृद्धि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये डाइवर्जन यहाँ पर दिया गया है। इस डाइवर्जन की वजह से ही मैं आपको जानबूझकर इस कच्ची और ख़राब सड़क पर लेकर आया हूँ। अब थोड़ी और इससे ज़्यादा ख़राब सड़क आएगी आगे चल के, वहाँ पर भी चलते हैं। देख रहे हो ये जंगल, आप क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। नीचे से एक छोटी सी नदी भी बहती है, वहाँ पर भी आपको लेकर चलूँगा। बारिश में यहाँ पर मिट्टी गिरना, पहाड़ों से मिट्टी, ढलान, पत्थर गिरना, ये एक आम सी बात है। और रात के टाइम पर इन जंगलों में आपको शेर अगर नज़र आए तो चौंकिएगा मत। जब हम इस ढलान को वापस से चढ़ेंगे तब थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए और मज़ा आएगा और पता चलेगा कि ये उतनी बेहतर तरीके से चलती है या नहीं। आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम, बट फिर भी उसे भी एक बार ट्राई कर लेंगे। ये एक छोटी सी नदी है अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हो, इस नदी को अब हम क्रॉस करके सामने जाएंगे और वहाँ से यू टर्न लेकर आएंगे। इसी ढलान की मैं बात कर रहा था, अब यहाँ से हम ये चढ़ाई ऊपर चढ़ेंगे। देखते हैं कि ये कार किस तरीके से इस चढ़ान पर परफॉर्म करती है। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ और ये आराम से ग्लाइड करती हुई ऊपर नज़र, मतलब चढ़ रही है, आप देख सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मुझे डाउनशिफ्ट करने की, फ़िलहाल तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप एक्चुअली इसे पर्सनली आकर देखते हो ना, तो ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि मतलब चलो ठीक है यहाँ पर गाड़ी को डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। सेकंड गियर में मैंने गाड़ी को डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर चढ़ने के लिए। अब हम ऊपर एक पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर मैं गाड़ी को रोकता हूँ एंड लेट अस
कार, आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं मेरी राय के बारे में कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। तो मेरी राय में अगर आपको 3 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच बीच में अगर ये गाड़ी मिल रही है और जिस तरीके से इस गाड़ी की कंडीशन है जो मैंने अभी चलाई है, अगर इतनी बेहतरीन उम्दा कंडीशन है, तो आप इस गाड़ी के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल गैजेट है दोस्तों, आज की डेट के मॉडर्न एज अप मार्केट हाई ट्रेंडिंग फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, बट मेंटेनेंस सस्ता मिलेगा। लगभग 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच में इसका शेड्यूल मेंटेनेंस हो जाता है। पूरी स्टॉक गाड़ी है, आज तक इसमें 9 साल में एक भी चीज़ चेंज नहीं हुई है शेड्यूल मेंटेनेंस के अलावा। माइलेज अच्छा दे देगी, इंजन अच्छा है, पावर परफॉर्मेंस पिकअप की दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं। 4 स्टार रेटिंग के साथ में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी मिल जाती है। तो कई मायनों में ये गाड़ी आपकी, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में देख रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन साबित हो सकती है। तो आई बिलीव दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म रियल लाइफ रिव्यू जो है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं या फिर मार्केट में आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो रही है। अगर आप इसका ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं ओनर को भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में लेकर आऊँ, उनके साथ में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के जवाब उनसे लेने की कोशिश करूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे फिर से एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि क्या आप ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं, और अगर उससे जुड़े आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन में डाल देना, तो मैं वो सारे सवाल प्लस मेरे जो भी सवाल होंगे वो उनसे ज़रूर पूछूंगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है आप तक पहुँचती है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइज़।